आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और आप सभी जानते हैं ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए कि काफी पावरफुल मुख्यमंत्री भी माना जा रहा है, और आप देखिए कि ये हमेशा अपने बोलने के कारण चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। और मुझे लगता है कि आप देखिए कि इनका परिवार जो भी रहा है, फिर चाहे इनके पिताजी रहे हो बाल ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे साहब जिन्हें आप लोग नाम दे, या हिंदू सम्राट के नाम से भी आप लोग जानते थे, इन्होंने आप देखिए कि बोलने की कला है, और जो शब्द बोल देते हैं वही एक तरह से आप कहिए कि पत्थर की लकीर रहता है। यानी कि आप देखिए कि कभी माफी मांगने जैसा कोई शब्द ही नहीं आता है, और आप देखिए कि जो मन में आता है वही बोलते हैं। यानी कि घुमा फिराने की बातें, घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आप लोगों ने इनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, इनके पिताजी के भी इंटरव्यू देखे होंगे। तो आज हम लोग उद्धव ठाकरे साहब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले ही आप लोग कुछ पिक्चर देख लीजिए, इनकी पावर का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए ये आप इनके पिताजी बाला साहब ठाकरे साहब हैं, ये अमिताभ बच्चन, इनके बेटे आदित्य ठाकरे, और ये हैं उनके पिता, यानी कि ये कौन, आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे साहब। और फिर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी, यहाँ आप देखेंगे राज ठाकरे, इनके चाचा के लड़के, और आप देखेंगे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये अंतिम तस्वीर है बाला साहब ठाकरे की, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो ये आप क्यों बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी यानी कि उद्धव ठाकरे की माँ, ठीक है, माताजी। और उसके बाद आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे के दोनों बेटे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, और उद्धव ठाकरे साहब की ये आपको पत्नी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और यहाँ आप देखिए बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप देखिए बाला साहब ठाकरे एक लंबे समय तक आप देखिए मुंबई पर राज करते रहे, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी आप देखिए कि सबसे पावरफुल व्यक्ति जो भी रहे, फिर चाहे आप लोग देखिए मुख्यमंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, इनके सामने हमेशा झुकते रहे। ये शरद पवार साहब आप देखेंगे, और ये आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, और ये आप देखेंगे बाला साहब ठाकरे साहब। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकी पावर कितने पावरफुल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के बारे में बात करें तो इनका नाम है पूरा उद्धव ठाकरे, और इनके जन्म की बात करें अगर हम लोग, तो इनका जन्म होता है 27 जुलाई 1960 को। 1960 को कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। एक बार आप लोग मुंबई महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी है मुंबई, और इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 को। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटें 288 है, लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, और विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग पिता की बात करें तो बाल ठाकरे इनके पिता, और मीना ठाकरे इनकी माता का नाम था, किनकी? उद्धव ठाकरे साहब की। और अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो आप देखेंगे रश्मि ठाकरे इनकी पत्नी का नाम, जो एक व्यवसायी है और शिवसेना की महिला शाखा की सदस्य भी है। इनके दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे आप सभी जानते हैं राजनेता है, और तेजस ठाकरे ये वन्यजीव शोधकर्ता है, इनके दूसरे बेटा। और आप देखेंगे इनके स्कूल की बात करें तो बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल दादर मुंबई से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कॉलेज की बात करें तो सर जमशेद जी 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 भाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने आगे की शिक्षा ली हुई है। अगर हम लोग इनकी शौक की बात करें, अभिरुचि की बात करें, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की शौक व्हाट्सएप चलाना या फेसबुक चलाना, गाने सुनना, मूवियाँ देखना, खेलना, ये सभी शौक होते हैं, तो इनके शौक है पुस्तकें पढ़ना और फोटोग्राफी करना। और एक महान चर्चित फोटोग्राफर भी रहे हैं उद्धव ठाकरे। और व्यवसाय की बात करें तो आप देखें कि फोटोग्राफर है और भारतीय राजनेता है। इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो शिवसेना इनकी राजनीतिक पार्टी है। और अगर हम लोग उद्धव ठाकरे के फोटोग्राफी में सफर की बात करें तो सक्रिय राजनीति में आने से पहले उद्धव ठाकरे का वन्यजीव फोटोग्राफी काफी लगाव रहा है, और वह एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, और वास्तविक प्रदर्शनियों में उनकी तस्वीरों को काफी महत्व दिया जाता रहा है। हालांकि सक्रिय राजनीति में आने के बाद वो फोटोग्राफी को समय नहीं दे पा रहे। और आप देखिए जब से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए,
काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को लेकर आप देखिए कि आगे चल रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए उद्धव ठाकरे का राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, इस बात को आप लोग मानिए। आगे चल के आप देखिए कि उनकी उन्हें दिलचस्पी होती है राजनीति में, और राजनीति में भाग लेना शुरू करते हैं। वरना आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात कर रहा हूं, राज ठाकरे साहब को ही समझा जा रहा था। अगर हम लोग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक सफर की बात करें तो आप देखें कि 2002 में उनके नेतृत्व में शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव लड़ा था और बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और 2002 से ही वो राजनीति में सक्रिय हुए थे। फिर आप देखें कि 2004 में उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने उन्हें पार्टी के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया था, और तब से वह शिवसेना को नियंत्रित कर रहे हैं। जून 2006 में वह शिवसेना के मुख्य पत्र यानी कि सामना के संपादक भी रहे। और फिर आप देखेंगे 2013 में बाल ठाकरे की डेथ हो जाती है 2000, और उसके बाद उन्हें शिवसेना प्रमुख के रूप में चुना गया था। और आप देखेंगे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप सभी जानते हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बाद में आप देखिए कि इन दोनों के बीच नहीं बनता है, बीजेपी और शिवसेना के बीच। और ऐसा माना जाता है कि उद्धव ने मुख्यमंत्री पद के लिए सीट बंटवारे और सत्ता साझाकरण की मांग की थी। वह चाहते थे कि शिवसेना का सदस्य 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने, और भाजपा ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी थी और वे अब इसका पालन नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शरद पवार और सोनिया गांधी के साथ गठबंधन किया था, और शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी रखा था। और आपने देखा होगा कि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हुई थी। तो अभी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री है कहाँ के, महाराष्ट्र के। इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे, इन विवादों को भी देख लीजिए। और आप देखिए जब कोई भी चुनाव लड़ता है, या मुख्यमंत्री होता है, या आप देखिए प्रधानमंत्री होता है, या फिर आप देखिए कोई पावरफुल व्यक्ति रहता है, चर्चित व्यक्ति रहता है, तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात होती है कि विवाद जुड़ जाते हैं। उसके काफी आलोचक भी होते हैं, काफी प्रशंसक भी होते हैं, उसे पसंद करने वाले भी होते हैं। एक बार उन्होंने संजय निरुपम, जो कभी शिवसेना के प्रमुख सदस्यों में होते थे, एक कांग्रेस नेता को चुनौती देती हुई, या अब कांग्रेस में आ चुके हैं संजय निरुपम, और इन्होंने कहा था कि यदि वह संजय मुंबई में किसी भी प्रकार के कार्यों में बाधा डालेगा तो मैं उनके दांत तोड़ दूंगा। तो उस समय आप देखेंगे उद्धव ठाकरे काफी चर्चा में आ चुके थे। फिर आप देखेंगे 2016 में उन्हें मराठा समुदाय पर चित्रित विवादास्पद कार्टून के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी, और जिसे 25 सितंबर को शिवसेना के मुख्य पत्र सामना और दोपहर का सामना में छायांकित किया गया था इस कार्टून को। तो उस समय भी आप देखेंगे काफी चर्चा में रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर कुछ गलती अपनी हो चुकी है, अपनी गलती है, वह माफी मांगने में कोई मुझे लगता है कि गलत बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देखिए कि हम उसमें जिम्मेदार नहीं है, और फिर भी अगर हम लोग गलत गलती मान बैठे या सच ना बोले तो वो गलत होता है, ठीक है। तो यही कहानी है उद्धव ठाकरे साहब की। जैसे ही टाइम मिलता है तो हम राज ठाकरे पर साहब पर भी बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग बताया करिएगा अगर किसी और चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तो हम लोग करते रहेंगे जब भी टाइम मिलता रहेगा। वैसे आप देखिए अभी तक जो भी चर्चित हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे, आपके उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों, राजस्थान के हों, बाकी राज्यों के हों, उन पर भी बात करते हैं। अभी तक हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उन सब पर हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग।